उधमपुर और कठुआ के लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप उधमपुर के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चाहे अगर आप कठुआ जिले से ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए भी ये खबर जो है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार ने एक बड़ी सौगात जो है वो उधमपुर और कठुआ के लोगों को दी है, जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से दिल्ली के लिए जो है वो 30 दिसंबर से शुरू होने वाली है। लेकिन इस बीच यूनियन होम मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान जो है वो उधमपुर और डोडा के लोगों के लिए किया है, जिसमें ये कहे कि 2019 में जब से पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो कटरा और दिल्ली से चलना शुरू हुई है, और ऐसे में तब से कठुआ और उधमपुर के लोगों की बात करें तो तब से उनकी लगातार ये मांग थी कि इसका ठहराव जो है वो उधमपुर और कठुआ में होना चाहिए, ताकि वहां के लोग भी एक इसका फायदा जो है वो उठा सके। लेकिन ऐसे में आपको बताने चले कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी और साथ साथ यूनियन होम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा एक बड़ी सौगात उधमपुर और कठुआ के लोगों की फरियाद को सुनकर जो है वो दी गई है, जिसमें 30 दिसंबर से कटरा से दिल्ली के लिए शुरू होने वाली नई वंदे भारत का स्टॉपेज जो है वो उधमपुर और कठुआ में भी होगा। तो आपको बताने चले कि अब जो नई वंदे भारत ट्रेन जो है वो 30 दिसंबर को कटरा से दिल्ली के लिए शुरू होने वाली है, इसका स्टॉपेज जो है वो पहला जो है वो उधमपुर में होगा और दूसरा इसके साथ साथ कठुआ में भी जो है वो इसका वहां पर जो है वो स्टॉपेज होगा। लेकिन ये कहें कि ये ना केवल एक बड़ी राहत है, बल्कि ये कहें कि एक बहुत बड़ी यात्रियों के लिए भी आसानी रहेगी, और खासकर जो वहां के कारोबार से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी एक राहत रहेगी, क्योंकि जब वहां पर ये ट्रेन रुकेगी तो ऐसे में कई सारे जो कारोबार से जुड़े लोग होंगे उनका भी एक अच्छा बिजनेस चलेगा। तो ऐसे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी आप सब लोग जो है वो शुक्रिया जरूर करें, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने एक बड़ी सौगात उधमपुर और डोडा माफ कीजिएगा उधमपुर और कठुआ के लोगों को दी है कि आप जो 30 दिसंबर से वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू होने जा रही है, इसका स्टॉपेज जो है वो उधमपुर और कठुआ में भी होगा, यानी कि दो जगहों पर ये रुकेगी और वहां के लोगों को भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और साथ साथ कारोबार से जो जुड़े लोग हैं उम्मीद है कि उनका कारोबार भी जो है वो अच्छा चलेगा। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस फैसले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।